तो इन्होंने मौला हसन का जिक्र किया तो शायर कहता है कि हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, नबी का नाइब व खायम मुखाम कहते हैं, दलील ये की काफी है उनकी अजमत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। तो मैं आइए गुजारिश करता हूँ जनाब तखी रजा साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और शहजादी की बारगाह में नजर अकीदत पेश करें। इनका इस्तकबाल आप हजरात बुलंद तरीन आवाज में सलावत पढ़कर कीजिएगा। हजरात आप लोगों से इल्तिमास है कि एक सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब मीर मुनीर अली साहब मरहूम की अरवा को बख्श दें, रूह को बख्श दें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात आज जो है खसीदा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जमाने को खुदा दिखला रहा है, जमाने को खुदा दिखला रहा है, अलम अब्बास का लहरा रहा है, जमाने को खुदा दिखला रहा है। तमन्ना थी जनाबे फातिमा की, करे हैदर जो मेरे बाद शादी, मिलेगा बेटा नाम अब्बास मुझे मौला मेरा बतला रहा है, मुझे मौला मेरा बतला रहा है। हम मिसाले हैदर करार होगा, नबी की आल का वो कुछ वो करके मुकामे पंजतन समझा रहा है, मुकामे पंजतन समझा रहा है। हाँ फलक से आ रही है ये वफा की महक से महका रहा है, वफा की महक से महका रहा है। इस पे खास तवज्जो चाहता हूं कि हम मुबारक दी फरिश्तों ने अली को मदीने शहर की हर एक गली को, कहा ये फासी अदा ज़ैनब ने बाबा, मेरे पर्दे का ज़ामिन ना रहा है, मेरे पर्दे का ज़ामिन आ रहा है, अलम अब्बास का लहरा रहा है। शुक्रिया जनाब तखीर।